मैं जो यूट्यूब ने अकाउंट वापस आया ना वो भी हैक कर दिया, अब समझ लो दो बार हैक। तो मैंने भाई मेरे अब मेरे पास था, मैं और गरीब हो गया हूँ, मेरे पास कार्ड्स नहीं, मेरे पास नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, कुछ नहीं। मैं 7 तारीख आ रही व्लॉग काउट ट्रैवलिंग टू मुंबई, आप लोगों को स्टोरी सुनना है तो हम आपको स्टोरी बताते हैं। कब हुआ था अपना अकाउंट हैक? 8 दिन पहले की बात है। लो भाई भाई देखो, हम खेल रहे थे वैलोरेंट, गोल्डी भाई मैं रिपेल, हम लोग वैलोरेंट खेल रहे थे। वैलोरेंट खेल के उठते हैं तो भैया मेरे को आता है नोटिफिकेशन कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। तो लगा रिवेश क्या होगा, क्योंकि हम लोग हर महीने पासवर्ड बदलते हैं अकाउंट का। तो मैं आधा घंटा हुआ, आधा घंटा गोल्डी भाई का फोन आता कि तन्मय तूने पासवर्ड चेंज किया क्या? मैं बोला कि शायद उर्वेश क्या होगा। गोल्डी भाई बोले क्या पूछ, ये भाई साहब सो रहे थे। तो मैं जाके पूछा कि अरे उर्वेश तूने चेंज किया क्या? उर्वेश बोला नहीं मैंने तो नहीं चेंज किया। हम लोग लगा थक चेंज किया होगा, थक पे भी अकाउंट है। अब थक को कॉल किया, थक थक भैया फुल टाइट सोए हुए, टाइट मतलब सोए हुए और कुछ नहीं, गलत मतलब ना लौंडो। अब भाई हुआ अब फटी गांड। अब हम लोग ट्राई किया लॉग इन, भैया लॉग इन हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है अब मेरा चल ठीक है, एक हो जाता है कभी कुछ बग हो जाता है, बट सबसे मेन सीन पता क्या हो गया कि अपना जो अकाउंट है ना, जो पासवर्ड चेंज हुआ है भाई, कुछ आया ही नहीं अलर्ट कि भाई यू आर बीइंग कि आप लॉग इन कर रहे हो कहीं और, ऐसा फलाने टाइप कुछ है ना, सीधा अकाउंट चेंज। ठीक है, आप आदमी का एक बैकअप रहता है, क्या होता है रिकवरी ईमेल। तो भाई तुम कोइंसिडेंस हो सकते हो, क्या हुआ होगा बताओ बताओ। रिकवरी ईमेल के साथ फोन नंबर भी चेंज, समझ रहे हो भाई। बंदा कोई रशिया था, अपना मेन ईमेल हैक किया, रिकवरी ईमेल चेंज किया, फोन नंबर चेंज किया, दो नए फोन नंबर डाले, ऐसा भी नहीं कि एक, भाई साहब ने पूरा मतलब चैनल का हुलिया ही बदल दिया। चलो ठीक, ऐसा सीन्स होता है, यूट्यूब प्लीज हेल्प अस, यूट्यूब का आता है रिप्लाई, तो गले से चीजें से नीचे उतरती है, ऐसे छाती तक आई है। ठीक है, चीजें बातें बातें से गले से उतर के छाती तक आ चुकी है। टू फैक्टर हर चीज था, लिटरली हर चीज था। और जैसे छाती तक आया तो एक नोटिफिकेशन क्या आता है मेरे इंस्टा पे, योर अकाउंट हैज अ सस्पिशियस लॉग इन फ्रॉम स्वीडन। बहन जो बता भाई, इंस्टा था भाई प्राइवेट, यूट्यूब ठीक है भाई, यूट्यूब पे किसी को कुछ नहीं भेज रहा भाई, इंस्टा होता है प्राइवेट भैया। हेलो भाई, बहुत सारे कांड हो जाते हैं इंस्टा के लीक हो जाता तो भाई फटी कांड वापस कि भैया हेलो कुछ लीक विक ना हो जाए, लॉग इन ना हो जाए। भाई रपार रप चेंज किया, सब कुछ शांत किया, इंस्टा हो गया सेफ, इंस्टा डिस्कॉर्ड ट्विटर सब सेफ कर दिया। ठीक है चलो, यहाँ तक माहौल हो गया सेट कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, चैनल आ जाएगा एक दिन दो दिन। तीसरे दिन यूट्यूब चैनल रिकवर कर दिया है। ओके आप लोग को बीच में दिखा होगा कम्युनिटी पर जो सब गायब हो गया था बॉस को, वाह भाई यूट्यूब ने चैनल रिकवर कर लिया। अब भाई तुम सोच रहे हो हैकर इतना बड़ा एमसी है, भाई ने क्या किया होगा, चैनल मॉस्को स्पैम करो, वाओ। दे मैं जो यूट्यूब ने अकाउंट वापस आया ना वो भी हैक कर दिया, अब समझ लो आधा घंटा यूट्यूब अकाउंट लाया वापस हैक। मतलब भाई हेलो व्हाट इज दिस ब्रो, मैं क्या किया हूँ, कौन सा मैं साइबर भाई, पैसे मेरे पास नहीं है भाई, गरीब इंसान हूँ मैं। तो बंदे ने उसको वापस हैक, मतलब भाई तुम समझ रहे हो भाई, दो बार हैक भैंस की आग। भैया तो यूट्यूब ने ऐसा बोला एक काम करो हम तुम्हें करते हैं न्यू ईमेल। भाई तो भाई यूट्यूब ने कर दिया ब्रांड अकाउंट, हमें पूरा हुलिया बदलना पड़ा। तो भाई हमारा समझ रहे हो ना भाई, सुपर चैट ऊपर चैट फलाना निपाना सब, ऐड भी नहीं आ रही अपने तुम लोग, ऐड फ्री गाइस आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ऐड वेड कुछ नहीं, स्पेस बढ़ाने का भाई वो भी गया यार। हेलो गूगल रिफंड करो, कितना 2 TB था ना, 2 TB था भाई, भाई 2 TB का स्पेस लिया था वो भी गया, बताओ। और क्रेडिट कार्ड, हाँ आपको तो भूल गया बताना भाई, हेलो आपको तो बताना ही भूल गया, सबसे खतरनाक चीज मैं अपना इन गेम परचेस और सुपर चैट्स करता था अपने मेन अकाउंट से ना, तो उसे मेरा क्रेडिट कार्ड लिंक था, दो दो कार्ड लिंक थे, एक क्रेडिट एक डेबिट। तो क्या सोच सकते क्या हुआ, अगले दिन सुबह मम्मी के नंबर पे था, एक मेरे नंबर पे था, 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड ऑन यूट्यूब सुपर चैट। मेरा भेंचो चैनल है नहीं, किसको दिया सुपर चैट में भाई, 10-10 का गया 30 के उड़ गया। मतलब भैंस के हैकर को सुपर चैट क्यों देना किसी को भाई, बंदा 30,000 ले गया चल ठीक है भाई, मेरे उसमें और गांड पड़ी भाई, ज्यादा ना निकाल ले। तो मैंने भाई मेरे अब मेरे पास था, मैं
मैं और गरीब हो गया हूँ, मेरे पास कार्ड्स नहीं, मेरे पास नो क्रेडिट कार्ड नो डेबिट कार्ड कुछ नहीं है। तो भाई अब मैं ना मैं कैश में काम जिंदगी निकाल रहा हूँ। तो भैया वो तो भी पूरा ब्लॉक करना पड़ा। तो समझ लो अब हम लोग बैठे इधर आप लोग से बात कर रहे हैं, जिंदगी चल रही है। स्कैम ओपी कॉल्ड यो सैनवल्स व्हाट्स अप ब्रो, उर्वशी का कांड सुनना तो बता, मैं बताता आप लोग जल्दी बताओ यस एंड नो। बताए क्या किए थे? देखो भागा चोर, मैं कैमरा घुमा लूंगा, चुपचाप खड़े हो जा, इधर खड़े हो जा, इधर खड़े हो जा, इधर खड़े हो जा, नहीं तो कैमरा घुमा लूंगा तुझे। अरे बता दो ना ऐसे, इधर 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 आ, इधर कैमरा। अरे नहीं तू इधर आएगा, देख कैमरा घुमा लूंगा, मेरे को क्या है, तू आ इधर। हाँ तो देख, तो भाई तो जब हम लोग का जब नया नया एड्रेस बना था तो भाई साहब का कुछ कितना महीने बचा, 2 महीने ना कि 1 महीने, नहीं बहुत टाइम, हाँ बहुत टाइम हो गया था। हाँ तो ऐसा मॉडरेट टाइम पे था। तो भाई साहब क्या डीएम करते हैं, इमेजिन श्रावण भाई आपकी आईडी वेरीफाइड है तो इस लड़की को डीएम कर दो प्लीज, इसका रिप्लाई आ जाएगा कि मेरा एडिटर है, इसका डीएम का आप आंसर कर रिप्लाई कर दो। ऐसा मेरे को बोलता है कि एक लड़की को डीएम करने कि आप उर्वेश को रिप्लाई करो, समझ लो भाई। तू बता अरे क्या तू, क्योंकि मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, मतलब समझ रहे दलाली, प्रॉपर दलाल भाई, बदला लिया जा रहा है। ओ भाई बदला लिया जा रहा है भाई, मैं एडिटर भाई, जब तुम देख रहे हो गाइस इंस्टा पोस्ट का बदला लिया जा रहा है, लड़की का चक्कर स्टार्ट हुई है भाई, तुम भाई फुल दलाल बना दिया भाई। बताओ आदमी एडिटिंग करने का पूछता कि ब्रो एक नया आइडिया है, नहीं भाई मेरी मेरे इस लड़की को डीएम पर रिप्लाई करने बोल दो। नाइस भाई, पहले की बात है भाई, अभी नहीं।